मुख्यमंत्री निवास में बुलाई गई पार्षद दल की बैठक में महापौर का नाम फाइनल नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्षद दल सहित निर्दलीय पार्षदों से चर्चा की, लेकिन आम सहमति नहीं बन सकी। सभी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर फैसला छोड़ दिया है। अब हाईकमान जिसके नाम पर मुहर लगाएगी, सभी उसको समर्थन देंगे। आज बुलाई गई बैठक में सबसे पहले निर्दलीय 6 पार्षदों से चर्चा हुई। बैठक से बाहर निकले निर्दलीय पार्षदों ने कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम सभी कांग्रेस जिसे भी महापौर प्रत्याशी बनाएगी उसे समर्थन देंगे। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश का वातावरण है और एक साल के कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो काम किया है उससे आपने परिणाम भी देख लिया। हर जगह पार्षद की बहुमत कांग्रेस की परिषद बनाने के लिए तय है, काफ़ी है। उसके बावजूद निर्दलीय भी जो कांग्रेस के कार्यों को देखते हुए, कांग्रेस की कार्यशैली, कांग्रेस की योजना जो जनमानस को फायदा पहुंचाने वाली उसको भी देखते हुए निर्दलीय भी खुलकर समर्थन कर रहे हैं। चाहे बिलासपुर की बात करें, चाहे राजनांदगांव जो खुद पूर्व मुख्यमंत्री का अपना जिला है, चाहे उसकी बात करें, चाहे आज जिस प्रकार से बिलासपुर में हुआ, रामचरण यादव के लिए कोई भी भारतीय जनता पार्टी वॉकओवर मिला है कांग्रेस को, कोई फॉर्म भरने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति रायपुर में भी बनती नजर आ रही है। आप लोगों ने देखा निर्दलीय 7 प्रत्याशी हैं, उनमें से 6 लोग आज सीएम हाउस में आके सीएम साहब से मुलाकात भी उन लोगों ने की और अपनी बात को भी उन लोगों ने रखा है। और तमाम कांग्रेस के विधायकगण और पार्षद साथी भी आज सीएम साहब के साथ हम लोग बैठे थे और सब अपनी चर्चा वहाँ पर हुई है। देखिए, कांग्रेस हमेशा एक परिवार के रूप में काम करती है। 15 साल हम लोग सत्ता में नहीं थे, फिर भी हम लोग 10 में से 6 और 7 नगर निगमों में जो डायरेक्ट इलेक्शन होता था, फिर भी हम लोगों ने महापौर और परिषद बनाने का में सफलता हासिल की है। अभी सरकार बनने के बाद भी 10 के 10 नगर निगमों में हमारी ही परिषद बनेगी। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, कांग्रेस एक परिवार के रूप में काम करता है। सब बैठ कर सलाह मशवरा करके जो सब अपनी अपनी राय सीएम के सामने, सब लोगों ने पहले एक बार पार्टी हाईकमान, प्रदेश की पार्टी लीडरशिप के सामने अपनी बातों को सब लोगों ने, जो नीचे जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, निर्वाचित पार्षद हैं, उन लोगों ने भी अपनी बात को एक स्वर में रखा कि जो पार्टी लीडरशिप, प्रदेश की लीडरशिप तय करेगी उस पर हमारी सहमति पूर्ण रूप से है। विधायक भी उसी रास्ते पर चलकर हम लोगों ने भी अपनी बात को रखी, लेकिन सीएम साहब का जो कहना था उस बात पर सब लोग अब अपनी बात कर रहे हैं और सब लोग जो सबकी राय है वो एक दूसरे को बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सब एक मत राय में हैं। समर्थन देंगे, इतनी 4 लाइन की बात अभी बस हुई है और मुख्यमंत्री अंदर चले गए, पार्षद सब बैठे हुए अंदर, अभी कोई शक्ति प्रदर्शन की बात नहीं है, ना कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। पार्षद साथ में जिसके आए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंदर में सारे कांग्रेस के पार्षद एक है और सर्वसम्मति से दोनों हाथ उठाकर उन्होंने एक प्रस्ताव, अभी कोई नाम की चर्चा बात, किसी का नाम, किसी का वो कोई बात ही नहीं हुई, ना किसी का नाम आया, नहीं कोई, देखिए किसी विधायक ने अभी तक ना कोई नाम लिया है, ना विधायक ने किसी ने बात की है। सब ने अपने अपने उसमें कहा, पार्षदों ने भी खड़े होकर अपना दो सब भाषण दिए और सब ने कहा कि जो भी निर्णय आप लेंगे हम सबको मंजूर हो। निर्दलीय पार्षद हमारे साथ नहीं बैठे थे अभी कांग्रेस की बैठक में, ये वाली जानकारी मेरे सामने नहीं, ना निर्दलीय पार्षद से मेरी किसी मुलाकात हुई है, ना निर्दलीय पार्षद से मेरी कोई बात हुई है और ना निर्दलीय पार्षद अंदर हमारी मीटिंग में साथ में बैठे थे। कल तक हो पाएगा नाम तय, कोई एक भी विधायक, तीनों चारों विधायक बैठे थे, एक 6 विधायक और तीनों विधायक, विधायकों में एक भी नाम किसी विधायक ने कहीं कोई नहीं लिया किसी ने। मुख्यमंत्री के ऊपर छोड़े और पर्यवेक्षक के ऊपर छोड़े, पर्यवेक्षक फिर पूछेंगे, बोले उन्होंने पार्षदों से पूछिए, मुख्यमंत्री का पार्षदों से बात करिए, 1-to-1 सब पार्षद क्या कहते हैं उनसे बात करिए, उनकी सुनिए, फिर विधायकों से बात करिए, उनकी सुनिए। तो अभी आप पार्षदों का पर्यवेक्षक अंदर बैठे, हो सकता है क्या पता क्या बात पर अभी बात करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके बारे में जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन अंदर की जहाँ तक आपको जो बात बता रहा हूँ 101% सच प्रतिशत सच बात बता रहा हूँ आपको। कैमरामैन विजय देवांगन के साथ रविशंकर शर्मा की रिपोर्ट। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।